गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको जो है बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। और बायोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था जीवों में जनन। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जो है आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान रखिए कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के महत्व। अलैंगिक जनन के महत्व, महत्व का मतलब क्या होता है, क्या विशेषता, अलैंगिक जनन का क्या विशेषता है या क्या खासियत है या क्या महत्व है, उसका आंसर समझा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक शब्द आपको समझ में आए। तो ध्यान रखिए कि यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपने पिछली वीडियोज को नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लें, क्योंकि उन वीडियोज को देखने के बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है अलैंगिक जनन के महत्व। अलैंगिक जनन का क्या महत्व है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अलैंगिक जनन के निम्नलिखित महत्व है। जब भी आप, मैं आपको इस तरीके से इसलिए लिख दिया हूँ कि ताकि आप नोट्स तैयार कर सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था सर डायरेक्टली लिखा देते हैं या समझा देते हैं, हम नोट्स तैयार नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स आसानी से तैयार कर सकें। और ये पॉइंट जो लिखा मैंने कि अलैंगिक जनन के निम्नलिखित महत्व है, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है ताकि आपका नंबर बहुत ही अच्छा उठ सके। तो कोशिश कीजिएगा जो है हूबहू लिखने का, और मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए पहला पॉइंट क्या है कि अलैंगिक जनन में बिना बीज के पौधा उत्पन्न होता है। अब देखिए अलैंगिक जनन का क्या खासियत है। पहला खासियत यह है कि इसमें बीज की जरूरत नहीं होती, इसमें जो है बीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही आप नए पौधा को जन्म देते हैं तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा देते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट पौधा वो पॉइंट यही है कि कायिक जनन द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। कायिक जनन क्या है, मैंने आप लोग पीछे पे बैठा रखा है, फिर भी चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कायिक जनन क्या है। जब पौधे के किसी भाग से, और कौन से भाग को छोड़ के, तो पुष्प भाग को छोड़ के, पुष्प मतलब फूल वाला भाग जो है उसको छोड़ के पौधे के किसी भी भाग से, चाहे पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, किसी भी भाग से जो है अगर नया पौधा जन्म लेता है तो उसको कायिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कहा कि अलैंगिक जनन में बीज की जरूरत नहीं होती है, मतलब बीज से पौधा नहीं बनता है। जैसे आप गुलाब का पौधा लगाते हैं, क्या आप गुलाब का बीज लगाते हैं? नहीं। तो गुलाब का आप क्या करते हैं, तो टहनी को काट के, शाखा को काट के आप क्या करते हैं उसको लगाते हैं। तो ये जो गुलाब का शाखा को काट के आपने जो लगाया, इसी जनन को हम क्या कहेंगे, तो कायिक जनन कहेंगे, और ये अलैंगिक जनन का प्रकार है, ठीक है। या आप केला का पौधा लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं, केला के एक दूसरे पौधा को उखाड़ के और उसको लगाते हैं, उससे नया पौधा निकलना स्टार्ट होता है। या आप बांस का पौधा लगाते हैं, है ना, आप गन्ना लगाते हैं, उनको जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं, तो ये सारा चीज जो है क्या है, तो बिना बीज के लगाते हैं ना। तो वैसा कोई भी पौधा जो बिना बीज से लगता है वो कौन सा जनन में आएगा, तो अलैंगिक जनन में आएगा। और अलैंगिक जनन में कौन सा आएगा, तो कायिक जनन आएगा। बात समझ आगे। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अलैंगिक जनन वाले पौधे में फल फूल जल्दी लगते हैं। अब अलैंगिक जनन का जो भी पौधा होगा उस पौधे में क्या होगा, तो फल फूल तेजी से लगेंगे, मतलब वो पौधा तेजी से बढ़ेगा और तेजी से फलेगा। जैसे आप देखते हैं कि आप गुलाब का पौधा को लगाते हैं, है ना, एक साल के अंदर वो बड़ा भी हो जाता है, उसमें फूल भी निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। या आप केला लगाते हैं, देखिए एक साल के अंदर आपका केला फल के खत्म भी हो जाता है ना। तो ये अलैंगिक जनन का जो पौधा है उसको आप ये देख सकते हैं कि वो बहुत तेजी से वृद्धि करेगा, और तेजी से वृद्धि करने के बाद वो क्या होगा कि बहुत तेजी से फल भी लगेगा और पक के उसका फल भी तैयार हो जाएगा। लेकिन वही आप बीज की बात करते हैं, जैसे आम की बात कर रहे हैं, या आप आम को छोड़ रहे हो, आप नॉर्मली समझिए कि एक इंसान में लैंगिक जनन होता है ना, उसके बच्चे को देखिए, उसके बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने प्रोसेस होता है, फिर वो बच्चा बढ़ता है, 20 साल बढ़ता है, फिर उसके बाद वो फिर जनन की क्रिया करता है, मतलब कि इसमें लंबा टाइम लगता है। लेकिन अलैंगिक जनन का जो पौधा है वो तेजी से वृद्धि करेगा, तेजी से उसमें फल फूल लगेगा। तो वही ये पॉइंट कहा कि अलैंगिक जनन वाले पौधे में फल फूल जो है वो जल्दी से लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे की जीवन की संभावना 100% होगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है 100% का क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर आप बीज से किसी पौधे को रोपते हैं तो सारा का सारा बीज से नया पौधा उग जाए, ये गारंटी नहीं है। लेकिन अलैंगिक जनन मतलब कि वैसा पौधा जिसका आप शाखा लगाते हैं, तो वो जो है आपको सारा का सारा लग जाएगा,
जैसे आप गुलाब के टर्निंग को काट के अगर पांच जगह लगा देते हैं तो पांच का पांच जगह वो पौधा लगने की गारंटी रहता है। लेकिन वही आप किसी बीज को छींटते हैं, जैसे आप मकई छींटते हैं ना, मकई खेत में छींटते हैं, क्या सारा मकई जन्म जाता है? नहीं ना, सारा मकई से नया पौधा तो नहीं ना जन्म लेता है। तो वही का कि अलैंगिक जनन में जो है, अलैंगिक जनन जो है, जो पौधा उत्पन्न होता है वो सारा का सारा 100% उसमें जीवन की संभावना होती है। नेक्स्ट का कि अलैंगिक जनन में पौधे की संख्या तेजी से बढ़ती है, और अलैंगिक जनन का जो पौधा है वो तेजी से बढ़ता है। तेजी से बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आप एक ऊंट को लगाते हैं, इतना छोटा सा उसका डाल काट के आप उसको लगा देते हैं, क्या होता है, देखते हैं कि उसमें से शाखा देगा, उसको बगल से बहुत सारा शाखा दे देता है और बहुत जल्दी 1 से 10 ऊंट हो जाता है, हो जाता है ना। तो ये तेजी से पौधा की संख्या में वृद्धि होता है। आप केला को देख लीजिए, एक केला को लगा दीजिए उसके बगल से बहुत सारा केला निकलना स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। आप बांस को देख लीजिए, एक बांस को लगाइए कुछ ही दिनों में बहुत सारा बांस निकल जाएगा। तो ये अलैंगिक जनन में जो है पौधे की संख्या जो है तेजी से बढ़ता है। अब इसी का एक एग्जाम्पल आप जलकुंभी देखे होंगे। जलकुंभी पौधा जो है वो आपको लगभग 8 माह में जो है 65,000 पौधा को जन्म देता है लगभग। और मैंने जलकुंभी के बारे में वीडियो देख रखा है, अगर आपके पास जलकुंभी के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे वीडियोज पर आप जानकारी देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी जानकारी दिया गया है, तो आप उससे जरूर देख लें क्योंकि आपके एग्जाम में जलकुंभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की हानियों को समझाएं। अब अलैंगिक जनन से क्या हानि है, क्या नुकसान है, हमें ये समझाने की बात है। तो आप बड़े ही आसानी शब्दों में लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन में परकीर्णन नहीं होता है। परकीर्णन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप बीज रोपते हैं तो बीज क्या करता है कि प्रकाश की उपस्थिति में और मिट्टी में नमी की उपस्थिति में परकीर्णन करता है और फिर उसमें से पौधा जो है अंकुरण होकर नया पौधा के रूप में जन्म लेता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होता है। डाढ़ में जब बीज ही नहीं है तो डाढ़ में परकीर्णन की प्रक्रिया क्या होगा, नहीं ना होगा। बीज में परकीर्णन की क्रिया होती है और अलैंगिक जनन में तो बीज होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करा है कि अलैंगिक जनन में अनुकूलन क्षमता नहीं होती है। अब ये इस पॉइंट आपको समझना है, अनुकूलन क्षमता का मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए तो फिर आपको बड़े अच्छे समझना है। जैसे आप जानते हैं कि कभी कभी आप क्या करते हैं कि ठंडे प्रदेश के जीव को आप गर्मी प्रदेश में लेके आइए तो वो जीव क्या होता है, मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जो है इस वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो क्या होता है, गर्मी के कारण मर जाता है। जैसे कश्मीर का कोई चीज़ है, जैसे कश्मीर का कोई, मान लीजिए कि आप कश्मीर से बकरी लेके आए और उसको आप अपने यहाँ पालने की कोशिश किया तो अपने यहाँ गर्मी है ना, तो वो कश्मीर से जो आया हुआ है बकरी है वो अपने शरीर को इस मौसम के अनुसार, वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएगा और वो मर जाएगा। इसी को अनुकूलन क्षमता कहते हैं, समझा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन क्षमता कहते हैं। तो वो यहीं पे है कि अलैंगिक जनन में अनुकूलन क्षमता नहीं होता, मतलब इस पौधे में क्या होता है कि अगर उसके विपरीत स्थिति में रखिएगा वो पौधा सूख जाएगा। जैसे आपको सपोज कीजिए कि केला का पौधा है या आपको ऊंक का पौधा है, तो ऊंक का पौधा में क्या पानी रहना चाहिए, अगर उसको पानी बिना पानी वाले क्षेत्र में रख दीजिए जहाँ पे पानी नहीं है और बहुत दिनों तक उसको रख दिया तो पौधा क्या होगा, सूख जाएगा। गुलाब, इसको अगर पानी वाले जगह पे रखिएगा तो ये तेजी से फैलेगा, उसको सूखे हुए जगह पर रख दिया तो सूख जाएगा। आपका जलकुंभी पानी वाले क्षेत्र में होता है, पानी में ही होता है, अगर उसको पानी से सूखे हुए क्षेत्र में जाए तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इस सब पौधे में जो अनुकूलन क्षमता कम होती है या नहीं होती का, जनक में पाई जाने वाली बीमारी अगले पीढ़ी में अपने आप पहुंच जाती है, ये बात समझिए। जनक मतलब क्या होता है, जनक मतलब जन्म देने वाले, मतलब माता पिता में जो बीमारी होता है, मतलब जनक मतलब कि जो पौधा है, यहाँ पे माता पिता की बात नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है पौधा को। तो जिस पौधे से नया पौधा जन्म लेगा, मान लीजिए ये पौधा है और इस पौधे से नया पौधा जन्म लेगा, अगर इस पौधे में पहले से कोई बीमारी है तो ये पौधा का बीमारी जो नया पौधा इससे जन्म लेगा उसमें अपने आप पहुंच जाए। जैसे आप खासकर देखते होंगे ऊंक में, देखते होंगे जब उसको छीलते हैं ना, ईक को, गन्ना को छीलते हैं तो उसमें लाल लाल रहता है, अगर उसके बगल वाले गन्ना को भी देखिए छीलते तो उसमें भी लाल लाल रहे, मतलब इसका जो है जो बीमारी है वो इसमें अपने आप चला जाता है, मतलब कि माता पिता मतलब जनक का जो बीमारी है उसके अगले पीढ़ी में अपने आप चला जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि कायिक प्रवर्धन को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। अब कायिक प्रवर्धन से जो है लंबे समय तक नहीं रखने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप गुलाब का डाल रखें,
ठीक है, और गुलाब के डार से आप नया पौधा लगाना चाह रहे हैं तो गुलाब के डार को काट के आप 20 दिन नहीं रख सकते। 20 दिन रखने के बाद अगर उसको आप रोपने जाइएगा ना तो वो डार नहीं लगेगा, उससे आपको नया पौधा नहीं बनेगा, तो आप लंबे समय तक उसको नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है कि कायिक प्रवर्धन में जो भी पौधा है उसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते, लेकिन बीज को आप लंबे समय तक रखते हैं, बीज को आप लंबे समय तक रखते हैं, लेकिन कायिक प्रवर्धन में किसी भी पौधे को आप लंबे समय तक नहीं। जैसे आप केले के थंब को नया पौधा में रूप में आया था उसको उखाड़ लीजिए और 2 दिन छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगा, वो नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें लक्षणों का क्षय होता है। लक्षणों का क्षय मतलब इसका लक्षण जो है ना धीरे धीरे खत्म होते चला जाता है। जैसे आप नॉर्मली देखिएगा कि आप केला का पौधा लगाते हैं तो पहला केला जो होगा वो बहुत मोटा होगा और बहुत बड़ा उसका जो केला का लंबाई होगा वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें से केला निकलते जाएगा ना वैसे वैसे देखिएगा कि साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, केला पतला होने लगेगा, उसका केला का मतलब कि लंबाई जो है वो छोटा होने लगेगा। तो होता क्या है कि इसमें जो है धीरे धीरे लक्षण जो है वो कमने लगता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको नोट्स तैयार करना है और एग्जाम में भी लिखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ आपको एग्जाम पास करने के लिए जानकारी नहीं लेना है, लाइफ में कुछ बनने के लिए लेना है, कुछ करने के लिए। अगर आप जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से पढ़ने का और समझने का। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए कि हाँ सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसको फिर से रिवाइज करूँगा और फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिक जनन। मैंने आपको अलैंगिक जनन के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन के प्रकार कितने हैं, अलैंगिक जनन का क्या फायदा है या क्या विशेषता है, अलैंगिक जनन की क्या हानियां है, वो सारा मैंने आपको पिछले कंप्लीट करा रखा था, जस्ट अभी हानियां और विशेषता कंप्लीट कराया हूँ। अब जो है नेक्स्ट है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है तो मैं पहले इसके पॉइंट वाइज इसको समझाया था, फिर मैंने यहाँ पर परिभाषा भी लिख दिया, आप आसानी से परिभाषा भी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज में है कि दो जनक होंगे मतलब कि जन्म देने के लिए इसमें दो जीव की जरूरत होगी, एक नर और एक मादा। नर मतलब क्या हुआ तो पुरुष, मादा मतलब क्या हुआ तो स्त्री। जैसे आप इंसान को देखेंगे, इंसान नए जीव को जन्म देता है तो उसमें नर और मादा मतलब स्त्री और पुरुष दोनों की जरूरत होती है। अगर इसमें से कोई एक नर है तो नए जीव उत्पन्न नहीं ले सकता, मतलब कि लैंगिक जनन में जो है दो जीव भाग लेंगे, नर और मादा, इन दोनों के भाग लेने के बाद ही जो नए जीव का उत्पन्न होगा या नए जीव जन्म। अब इसमें युग्मक बनेगा। युग्मक क्या होता है ये समझने के लिए, तो युग्मक दो प्रकार के होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। क्यों नर युग्मक और मादा युग्मक, तो दो जीव भाग ले रहे हैं, नर तो नर में बनेगा वो नर युग्मक और मादा में बनेगा वो मादा युग्मक। अब इसी नर युग्मक का जो नाम है हम लोग कहते हैं क्या तो शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं अंडाणु। मतलब कि मादा जो है उसके शरीर के अंदर अंडाणु बनता है और नर जो है पुरुष जो है उसके शरीर के अंदर शुक्राणु बनता है, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनका अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलता है और मिलने के बाद निषेचन की क्रिया होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, फिर वहां से जो बच्चे जन्म लेने का प्रोसेस होता है। मतलब कि यहाँ पे जो है दो जीव भाग ले रहे हैं, कौन कौन, तो एक नर और एक मादा। अगर नर और मादा भाग ले रहे हैं तो नर में नर युग्मक बनेगा और मादा में मादा युग्मक बनेगा। नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लोन नहीं बनेगा। क्लोन का मतलब क्या हुआ कि उसी का प्रतिरूप मतलब सेम टू सेम नहीं बनेगा। समझ आ रहा है, जैसे कि आपका ये फोटो है और आप सेम टू सेम यहाँ दूसरा फोटो बनवा लेते हैं, जाते हैं मार्केट में कंप्यूटर दुकान में जाते बोलते हो फोटो से फोटो बना दीजिए, तो आपके फोटो का सेम फोटो 6 पीस 8 पीस बनाता है, तो वो फोटो से फोटो जो बनाता है सेम टू सेम आपके फोटो के जैसा होता है, वो क्लोन हो गया। लेकिन इसमें जो है क्लोन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप देखिए कि ये नर है और ये मादा है, ये इन दोनों से उत्पन्न बच्चा क्या नर और मादा के समान सेम टू सेम होता है, नहीं होता है। तो लैंगिक जनन में क्लोन जो है वो नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट का निषेचन होगा।
निषेचन होगा का मतलब क्या हुआ कि अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे और इनके मिलने पर जो है निषेचन की क्रिया होगा, उसके बाद भ्रूण बनेगा। तो जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगा तब तक भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण नहीं बनेगा तो बच्चा जन्म कभी भी नहीं। बात समझ में आ रही है? अब इसी को यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। विभिन्नताएं का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं का मतलब ये होता है कि अलग अलग गुण उत्पन्न होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि पिता में या माता में 5 गुण था तो उसके बच्चे में सेम टू सेम 5 गुण होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है 5 से 6 गुण हो जाए, 7 गुण हो जाए, हो सकता है 5 की जगह 4 ही गुण रहे। मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। जैसे अब हम मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपके यहाँ गाय है ना, आप लोग मवेशी पालते हैं, गाय है। अब गाय जो है वो बिना सांड के बच्चा जन्म दे सकता है? नहीं। अब बोले सर हमारे यहाँ तो होता है, डॉक्टर आके सुई दे देता है। हाँ, वो सुई जो देता है वो सुई में रहता क्या? तो उस सुई में जो है सांड से निकाला हुआ स्पर्म रहता है, या शुक्राणु कह सकते हैं। वही शुक्राणु को क्या किया जाता है, मादा के अंदर मतलब गाय के शरीर के अंदर डाला जाता है, तो निषेचन की क्रिया होता है। अब देखिए, तो 2 जनक तो हो गए। क्यों? क्योंकि अगर गाय आपकी मादा थी तो वो जो डॉक्टर्स आके सुई दिया वो क्या दिया, तो मादा से मादा युग्मक तो उसके शरीर के अंदर था, गाय के अंदर था, अंडाणु गाय के अंदर था, तो इसकी जरूरत खत्म। लेकिन डॉक्टर आया, सांड को लाने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन डॉक्टर जो आया तो डॉक्टर सुई में क्या दिया, तो वो सांड से निकाला हुआ नर युग्मक या शुक्राणु जो है उसी को वो गाय के अंदर डाला, जिसके कारण क्या हुआ, तो अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए, जिसके बाद निषेचन की क्रिया हुआ। निषेचन की क्रिया के बाद जो बच्चा जन्म लेगा वो क्लोन नहीं होगा। क्लोन का मतलब क्या कि माँ के समान नहीं होगा। कुछ ना कुछ गुण जो है, कुछ ना कुछ रंग रूप आकार, कुछ ना कुछ माँ से अलग रहेगा, मतलब माँ जैसा नहीं होगा। तो क्लोन नहीं बनेगा और निषेचन होगा जब तक ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, मतलब जो डॉक्टर आके आपको गाय को सुई देता है, अगर वो निषेचन की क्रिया नहीं होगा तो वो आपका जो है गाय जो है वो गर्भवती नहीं रहेगी, वो बच्चा जन्म देने लायक नहीं रहेगी और नहीं देगी वो बच्चे को। अब कहा कि विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। विभिन्नताएं उत्पन्न का मतलब क्या है कि गाय में जो लक्षण था वो उसके बच्चे में या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, सेम टू सेम नहीं रहेगा। गाय को 5 लक्षण था तो उसके बच्चे को 5 लक्षण जरूरी नहीं है कि होगा, वो आपको निश्चित बदला हुआ रहेगा। 4 लक्षण हो जाए बच्चे में, 10 लक्षण हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम कभी भी लक्षण नहीं होगा, मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न होगा। समझना क्या? अब इसी को लिए पॉइंट वाइज मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। अब आपको परिभाषा कैसे देना तो आप इसी से दे सकते हैं। अगर मैं आपको इसी से भी परिभाषा दे के देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। कहा वैसा लैंगिक जनन है ना, आप दे सकते हैं वैसा जनन जिसमें 2 जनक होंगे, नर और मादा, और नर और मादा के मिलने से, या नर और मादा और नर और युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो है वो युग्मनज बनेगा और नए बच्चे का जन्म होगा। आप इसको यहाँ पे मैंने उसी को शॉर्ट में एक परिभाषा के रूप में लिख दिया कि वैसा जनन जिसमें 2 जनक भाग लेंगे, 2 जनक मतलब कि नर और मादा भाग लेंगे, और उसे लैंगिक जनन, मतलब कि वैसा जनन जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं उस जनन को क्या कहते हैं, तो उस जनन को हम कहते हैं लैंगिक जनन। बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है कि लैंगिक जनन के महत्व को लिखिए, मतलब कि लैंगिक जनन की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, उसके बारे में लिखना है। तो पहला पॉइंट जो है जीन का स्थानांतरण। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जीन का स्थानांतरण क्या होता है। देखिए जीन क्या होता है, तो जीन को ही दूसरे शब्द में गुणसूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। तो आप क्या देखते हैं कि किसी एक इंसान के गुणसूत्र को मतलब डीएनए भी आप से समझ सकते हैं कि एक के डीएनए को दूसरे के डीएनए में हम स्थानांतरित मतलब डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। इसका एग्जांपल आप सिंपली से सोच सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में अगर मान लीजिए कि कोई बीमारी पहले से था और उस बीमारी को खत्म करने का इलाज जो हम ढूंढते हैं वो किससे ढूंढते हैं, तो डीएनए से ढूंढते हैं।
किसी दूसरे जीव के डीएनए से ढूंढ के और उसको हम उसमें स्थानांतरित करते हैं, तब वो जाके बीमारी क्या होता है, खत्म हो जाता है। हाँ सुन रहे, जैसे चलिए हम इसको और भी आसान एग्जांपल में करते हैं। जैसे आपको बुखार होता है, आपको बुखार होता है, अगर इसी में जो है आप कहते हैं कि आपको मियादी बुखार है, टाइफाइड बुखार है ना, तो टाइफाइड बुखार के लिए आपको जो जीवाणु जिम्मेदार है, अब उस जीवाणु को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरे जीव को दवाई के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में उपयोग करते हैं और उसको अपने शरीर के अंदर दवाई द्वारा या सुई के द्वारा लेते हैं, जिसके कारण वो जो है उसको मारने का काम करता है। तो इसी तरीके से हम डीएनए स्थानांतरित करते हैं, मतलब कि जीन को हम एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम गाय पर आपको बड़ा अच्छा देते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा होते हैं। सपोज कीजिए कि आपका जो गाय था वो जर्सी, आपका गाय जो था वो जर्सी था, अब आप चाहते हैं कि इससे जो बच्चा जन्म ले वो जर्सी ना हो, फिजिशियन हो, है ना, या आप चाहते हैं कि देहाती हो, तो आप इस गाय को जो डॉक्टर से सुई दिलवाते हैं, सीमेन दिलवाते हैं, वो आपने क्या किया कि ये गाय आपका जर्सी था तो आपने फिजिशियन का ले लिया और फिजिशियन के सुई को आपने इसमें डाला, तो फिजिशियन का जो आपका स्पर्म था या शुक्राणु था वो तो दूसरा डीएनए था और ये जर्सी का दूसरा डीएनए था। अब आपने क्या किया कि आपने इस फिजिशियन के डीएनए को जर्सी के अंदर डाल दिया, तो आप डीएनए को क्या किए, स्थानांतरित। अब बात समझ में आ गई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या उत्परिवर्तन होगा, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन मतलब बदलाव होगा। बस गाय पे ही एग्जांपल लेके चलते हैं, ये मेरा जर्सी गाय था और हमने फिजिशियन का इंजेक्शन इसको दिलवा दिया, सुई दिलवा दिया, अब ये जो बच्चा जन्म लेगा वो जर्सी नहीं होगा या फिजिशियन भी नहीं होगा, उसमें दोनों का गुण का समावेश होगा, किसी का ज़्यादा गुण होगा, किसी का कम गुण होगा, लेकिन दोनों का गुण का समावेश होगा। तो ये जो बच्चा जन्म लिया इसमें गुण अलग हो गए ना, तो यही उत्परिवर्तन है, बदलाव ही उत्परिवर्तन है। अब क्या विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, अब विभिन्नताएं भी उत्पन्न होगी, क्यों, विभिन्नताएं का मतलब मैंने क्या समझा था कि लक्षण बदल जाए, तो अब यहाँ जर्सी का गाय था और हमने फिजिशियन का सुई डलवा दिया, तो ये जो बच्चा जन्म लेगा इसमें इसके गुण से अलग होगा, तो वही जो गुण अलग हुआ वो क्या होगा, विभिन्नताएं होगा। नेक्स्ट समझिए कि जीन एक समान नहीं होते हैं, अब ये जर्सी गाय था और हमने फिजिशियन का इंजेक्शन दिलवा दिया, ये बच्चा जन्म देगा वो माँ के समान नहीं होगा, उसका गुण जो है एक समान नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुकूलन क्षमता बढ़ती है, अब ये समझने वाली बात है। अनुकूलन क्षमता मतलब क्या हुआ कि वातावरण में रहने की ताकत जो है या वातावरण को बर्दाश्त करने की क्षमता जो वो बढ़ती है। अब बोलिए सर ये कैसे, अब सपोज कीजिए कि आपका जर्सी गाय है ना, जर्सी गाय आप अच्छे से जानते हैं कि गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, और आपका दूसरा गाय जो है वो देहाती है, देहाती गाय को आप अच्छे से जानते हैं कि ये गर्मी बर्दाश्त करती है, अगर देहाती सांड का शुक्राणु लेके या स्पर्म लेके जर्सी गाय के अंदर डाल दिया जाए, तो इससे जो बच्चा जन्म लेगा उसके शरीर का जो क्षमता रहेगा इस जर्सी गाय के शरीर के क्षमता से ज़्यादा होगा, उसमें गर्मी बर्दाश्त करने का क्षमता ज़्यादा होगा, तो अनुकूलन क्षमता बढ़ेगी। बात समझ में आ गया, चलिए तो ये आपका था। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने इधर लिख रखा है कि लैंगिक जनन के हानियों को लिखा, अब लैंगिक जनन से नुकसान क्या है वो चीज़ हमें देखना है। तो लैंगिक जनन से पहला नुकसान ये है कि यह एक धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बच्चा का विकास होता है वो बहुत धीरे होता है, जैसे आप गाय को सुई दिलवाते हैं उसको 9 महीना लगता है बच्चा के रूप में जन्म लेने, और बच्चा जन्म लेने के बाद उस धीरे धीरे वृद्धि करता है और वयस्क होने में उसको जो है 14 से 15 महीने लगता है, 14 से 15 साल लगता है, वयस्क होने में उसको 14 से 15 साल लगता है। लेकिन आप एक केला को लगाइए
वो आज इतना बड़ा था, एक महीना में इतना बड़ा हो जाए, वो 6 महीने के अंदर फल भी दे देगा और केला खत्म भी हो जाए। मतलब कि अलैंगिक जनन में जो था वो तेजी से वृद्धि करते थे, मतलब वो तेज प्रक्रिया थी, और लैंगिक जनन में जो है धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, इसलिए कौन सा प्रक्रिया है, तो धीमी प्रक्रिया। अब नेक्स्ट कहा दो जीव भाग लेते हैं, इसका दूसरा हानि ये है कि एक जीव से जो है नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, हर कीमत पे हर कंडीशन पे दो जीव होना जरूरी है, नर और मादा का होना जरूरी है, अगर नर और मादा नहीं रहेंगे तो जीव उत्पन्न नहीं लेगा, नया जीव जन्म नहीं लेगा। लेकिन अलैंगिक जनन में ये बात नहीं थी, अलैंगिक जनन में एक ही जनक होते थे तो नर है या मादा है यहाँ तो बात ही नहीं होती थी। हाँ सुन जा गए, मतलब लैंगिक जनन का ये हानि है कि अगर नर है तो भी बच्चे का जन्म नहीं होगा, मादा है तो भी बच्चे का जन्म नहीं होगा, मतलब नर और मादा का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निषेचन की क्रिया होती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया का मतलब क्या हो गया कि अगर नर और मादा है, अंडाणु और शुक्राणु है, वो दोनों आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद भी अगर निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो नया जीव उत्पन्न नहीं लेगा। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद निषेचन की क्रिया होगी तभी नया जीव उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु मिलने का मतलब क्या है कि कभी कभी आप देखते हैं गाय को आप सुई दिलवा देते हैं लेकिन वह गाय जो है गर्भवती नहीं हो पाती है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अंडाणु तो गाय के अंदर था ही, हमने डॉक्टर से शुक्राणु भी डलवा दिया लेकिन दोनों मिलने के बाद भी उनके बीच निषेचन की क्रिया नहीं हुई, और निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो हमारा गाय जो था वो गर्भवती नहीं हुई। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि निषेचन की क्रिया हो तभी जो है वो नए जीव को उत्पन्न कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चौथा कंडीशन, माध्यम या स्रोत की आवश्यकता हो। अब किसी ना किसी माध्यम से अंडाणु या शुक्राणु को मिलाना होगा, अगर वो नहीं मिलते हैं, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो नया जीव उत्पन्न नहीं। बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हम डाल रहे हैं वो है लैंगिक और लैंगिक जनन। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। हमने जो है लैंगिक जनन किसे कहते हैं वो पढ़ लिया, लैंगिक जनन की क्या विशेषता है वो पढ़ लिया, लैंगिक जनन की क्या हानियां है वो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, क्या क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट है कि लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, जो हम समझने वाले हैं वो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मैं जो अभी आपको बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। इससे पहले हमने जो है वीडियोज में क्या कंप्लीट कर लिया, तो इसमें हमने कंप्लीट कर लिया लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की हानियाँ क्या है, लैंगिक जनन की विशेषताएँ क्या है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। पहला पॉइंट है कि लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं,
मतलब कि लैंगिक जनन जो है उसमें दो जनक मतलब नर और मादा, ये दो जनक की आवश्यकता होगी। एक जनक में कभी भी लैंगिक जनन नहीं होगा। और अलैंगिक जनन जो है उसमें एक जनक होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं और एक ही जनक होते हैं। दूसरा है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन को समझिए, मैं उसको समझाने जा रहा हूँ। देखिए जैसे होता क्या है ये समझिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक जीव जो है वो जन्म कैसे लेता है, तो देखिए जीव को जन्म लेने के लिए नर और किसकी जरूरत होगी, मादा, नर और मादा। अब नर में जो है गुणसूत्र कितना होता है, तो 46, और मादा में भी गुणसूत्र कितना होता है, 46। इसमें जो गुणसूत्र होता है नर में वो होता है XY, और मादा में जो गुणसूत्र होता है वो होता है XX। अब ये जब मिलते हैं तो इसमें से अगर X गया तो 23 गुणसूत्र जाएगा, और यहाँ से मादा में से X आया तो वो भी 23 गुणसूत्र आएगा, और जैसे ही XX मिलेगा तो जो जन्म लेगी वो क्या होगी, लड़की होगी, और इसमें गुणसूत्र की संख्या तो 23 + 23 कितना हो जाएगा, 46। तो यहाँ गुणसूत्र जो बट रहा है वो किस तरीके से बट रहा है, आधा। तो इसी विभाजन को क्या कहे, अर्धसूत्री विभाजन। बात समझ में आ गया, ये जो नर है इसमें 46 गुणसूत्र था, तो 46 में जो है 23 एक्स का और 23 वाई का। बात समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो गुणसूत्र की संख्या हो गया वो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ गुणसूत्र में जो विभाजन हुआ कौन सा विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब है कि समान भागों में गुणसूत्र बढ़ते हैं, यहाँ गुणसूत्र जो है वो आधे भागों में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि लैंगिक जनन में अगुणित युग्मक बनते हैं। अब यहाँ जो युग्मक बनता है वो अगुणित होता है। अगुणित मतलब कि उसमें गुण जो है सिर्फ एक होता है, अगुणित होता है। और अलैंगिक जनन में अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक बनने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, यहाँ पे जो नर और मादा मिले तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अलग अलग है, तो ये नर युग्मक भी अगुणित है और मादा युग्मक भी अगुणित है। लेकिन इसमें तो नर और मादा की बात ही नहीं आ रहा, तो ये तो अगुणित अगुणित युग्मक नहीं बनाएगा ना। अब देखिए कहा लैंगिक जनन में द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। अब यहाँ युग्मनज को समझिए, तो नर युग्मक जो था वो अगुणित था और मादा युग्मक जो था वो अगुणित था। अब ये दोनों जब मिले तो इससे जो बना वो क्या बना, तो युग्मनज बना। मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो बना वो क्या बना, युग्मनज बना। तो युग्मनज क्या होगा, एक गुणित और एक गुणित द्विगुणित। तो यहाँ पर वही कहा कि लैंगिक जनन में द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। लैंगिक जनन में जो युग्मनज बनते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब अलैंगिक जनन में युग्मनज नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो युग्मक आपस में मिलते ही नहीं है, तो युग्मनज कहाँ से बनेगा, तो अलैंगिक जनन में युग्मनज नहीं बनते। नेक्स्ट कहा कि युग्मनज से नया जीव उत्पन्न होता है। अब वही जो नर युग्मक और मादा युग्मक बन के आपस में मिले, तो मिलने के बाद जो युग्मनज बना उसी युग्मनज से भ्रूण बनेगा और उसी से बच्चा विकसित होगा और नया जीव के रूप में बच्चा जन्म लेगा। लेकिन अलैंगिक जनन में जो है तो नर युग्मक मादा युग्मक तो मिले ही नहीं, तो फिर जन्म किससे होगा, क्योंकि वहां तो युग्मनज बना ही नहीं। तो यहाँ पे जो जन्म होगा वो जनक कोशिका, जनक कोशिका मतलब क्या हुआ कि जो जन्म देने वाला जीव है उसी के कोशिका से नया जीव उत्पन्न, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है लैंगिक जनन बीज से नया पौधा उत्पन्न करता है, मतलब कि लैंगिक जनन में जो पौधा बनता है वो बीज के द्वारा उत्पन्न होता है और अलैंगिक जनन में बीज नहीं होता है, इसमें बीज की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैंगिक जनन में अधिक समय लगता है। अब लैंगिक जनन से जीव को उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था कि गाय, अगर गाय से अगर आप बच्चा को, नया बच्चा को जन्म दिलवाते हैं तो 9 महीना लगता है, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कोई बात नहीं। गुलाब के डार को लीजिए, काट के अलग लगा दीजिए, तुरंत 1 महीना में नया पौधा तैयार हो गया, 1 महीना के अंदर ही नया पौधा तैयार हो गया। और वहाँ पर आपको नया जब जीव उत्पन्न करने में कितना टाइम लग गया, तो 9 महीना। बात समझ आ गई? तो ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस था आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस वीडियो में आपका जो है एक टॉपिक क्लियर हो गया है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसमें और भी आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियोस को जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए, ताकि इसका फायदा उन्हें भी पहुँचे। और मैं हमेशा कहता हूँ पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि हाँ मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसे जरूर बताऊँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में, तो देखिएगा जरूर। चलिए देखते हैं, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, जरूर समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, पॉइंट बाई पॉइंट समझाऊंगा, अच्छे समझ में आएगा। पहला कहा कि मध चक्र क्या है, मध चक्र क्या है, तो नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं, जैसे गाय, कुत्ता इत्यादि। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो परिभाषा है, समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे ये आपका गाय है, जैसे ये आपका गाय है, अब गाय क्या होता है कि आप ये बच्चा रहा होगा, फिर ये धीरे धीरे मतलब बड़ा हुआ होगा, जब ये 2 या 2.5 साल का हो जाता है तो ये गाय जो है वो क्या करती है, बच्चा लेने के लिए बोलना शुरू करती है, बच्चा को धारण करने के लिए क्या करती है, बोलना शुरू करती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर को बुला के उसको सुई दिलवाते हैं, दिलवाते हैं ना। अगर मान लीजिए कि ये गाय जो है बच्चा लेने के लिए बोली, बच्चा लेने के लिए क्या की, बोली, और जो उसका किसान था वो नहीं समझ पाया कि ये जो बोल रहा है वो क्यों बोलता है। अब वह जो है डॉक्टर से सुई नहीं दिलवा पाया, तो ये डॉक्टर से सुई नहीं दिलवा पाया तो फिर ये गाय जो है कितने दिन बाद बच्चा लेने के लिए जो है फिर से बोलेगी, तो ये जो है 22 दिन बाद जो है 22 दिन बाद जो है फिर से ये बच्चा लेने के लिए बोले। अगर मान लीजिए फिर आप नहीं दे दिलवा पाए सुई, तो फिर ये 22 दिन बाद बच्चा लेने के लिए बोलेंगे, तो ये जो बार बार जो ये चक्र चल रहा है 22 दिन पर ये जो गाय है बच्चा लेने के लिए तैयार हो रही है, इसी चक्र को हम क्या कहेंगे, मध चक्र। हाँ समझ में आया, वही है कि नॉन प्राइवेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहेंगे, जैसे गाय, कुत्ता, भैंस इत्यादि। ये बात समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋतु सराव किसे कहते हैं, ऋतु सराव किसे कहते हैं, तो बोला प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतु सराव कहते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला। अब यहाँ पे हमें समझना है, ये तो मैंने आपको नॉन प्राइमेट का समझा दिया, अब प्राइमेट का समझा, चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल सब है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए प्राइमेट में समझाते हैं कि क्या कहा कि प्राइमेट में, मतलब कि प्राइमेट स्तनधारियों में जो चक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऋतु स्राव कहते हैं। क्या चक्र होता है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य में जो है मादा, मादा मतलब क्या हुई, तो स्त्री, स्त्री जो है ये आपको जो है बच्चे को जन्म देती है, तो ये मध चक्र जो है इसी में पाया जाता है। तो किस तरीके से, वो समझिए कि ये मादा है, अब इसके शरीर में क्या बनता है, तो मादा के शरीर में मादा युग्मक, मादा
युग्मक, और मादा युग्मक कोई दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, तो कहते हैं अंडाणु, मादा युग्मक या अंडाणु। अब समझिए कि ये जो अंडाणु है वो शरीर में कब बनना शुरू हो जाता है, तो एक मादा के शरीर में जो है वो ये जो अंडाणु है वो 12 से 13 वर्ष के उम्र के बाद, 12 से 13 वर्ष की उम्र के बाद अंडाणु बनना जो है वो शुरू हो जाता है। समझना, 12 से 13 वर्षों का जब लड़की हो जाती है तो उसके शरीर में जो है अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। अब ये अंडाणु बनना तो शुरू हो गया, अगर यहाँ पे ये अंडाणु शुक्राणु से मिल जाता है, शुक्राणु से मिल जाता है तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगा, और निषेचन की क्रिया के बाद जो है भ्रूण बनेगा और बच्चा जन्म लेगा, बच्चा जन्म लेगा। बस बोलिए कि यहाँ जो है अगर कोई लड़की है तो उसी को स्त्री बोलते हैं, और लड़की के शरीर में जो है वो अंडाणु या मादा युग्मक होता है, अंडाणु मतलब अंडा से, ठीक है। अब ये अंडा जो है कब से बनना शुरू हो जाता है, तो 12 से 13 वर्ष के उम्र से जो है लड़की के शरीर में जो है ये अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। अगर इस समय इसका अंडाणु शुक्राणु से मिल गया तो निषेचन की क्रिया हुआ, भ्रूण बना और बच्चा जन्म ले लिया। लेकिन आप या हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में किसी भी लड़की का शादी नहीं है, तो जब शादी नहीं होगा शुक्राणु से नहीं मिला, शुक्राणु मतलब क्या हुआ कि नर से नहीं मिला। अब नर से नहीं मिला तो इस अंडाणु का क्या हुआ, क्यों, क्योंकि निषेचन की क्रिया तो हुआ नहीं, तो इस अंडाणु का क्या हुआ होगा, तो ये जो अंडाणु है वो 28 दिन के बाद, 28वां दिन से जो है या 28वां दिन से जो है ये अंडाणु क्या होता है, टूटना शुरू कर देता है, टूटना शुरू कर देता है। मतलब ये 12 या 13 वर्ष के उम्र में जो लड़की है उसके शरीर में अंडाणु बना, और उस अंडाणु का शुक्राणु से मिलन नहीं हुआ तो निषेचन की क्रिया नहीं हुआ, तो फिर इस अंडाणु का हुआ क्या, तो जैसे ही उसके शरीर में अंडाणु बना उसके 28वां दिन जो है वो अंडाणु क्या करेगा, टूटना शुरू कर देगा, और टूट कर जो है ब्लड के रूप में शरीर से बाहर आएगा। ब्लड के रूप में कहाँ आएगा, शरीर से बाहर आएगा। पहली बार जब ये आता है तो इसको क्या कहते हैं, मीनार्क कहते हैं। पहली बार जब वो अंडाणु शरीर से टूट के ब्लड के रूप में बाहर आता है तो उसको क्या कहते हैं, मीनार्क कहते हैं। और इसी ब्लड के रूप में जो शरीर से बाहर आता है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पीरियड, कहते हैं ना पीरियड, और इसी पीरियड को जो है हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो ऋतु स्राव। बात समझ आ गया, ध्यान रखिए कि मादा के शरीर में मतलब स्त्री के शरीर में अंडाणु बनता है, और ये अंडाणु कब बनना शुरू हो जाता है, तो जब 12 से 13 वर्ष का उम्र होता है तो अंडाणु बनना शुरू हो जाता है, और अगर ये अंडाणु शुक्राणु से मिल जाता तो बच्चा जन्म ले लेता। लेकिन 12 से 13 वर्ष में किसी भी लड़की का शादी नहीं होता है तो फिर वो अंडाणु से तो मिलेगा नहीं, शुक्राणु से तो मिलेगा नहीं, तो उसका अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिला तो फिर उस अंडाणु का हुआ क्या, तो जब उसके शरीर में अंडाणु जो बना वो 28 दिन बाद क्या होगा कि टूटना शुरू कर देगा, और टूट के शरीर से ब्लड के रूप में बाहर आएगा, और इस क्रिया को जब पहली बार होगा तो उसको मीनार्क कहेंगे, और इसी क्रिया को हम इंग्लिश में पीरियड कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, ऋतु स्राव। तो इसी चक्र को प्राइवेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को, मतलब अब ये पहली बार हो गया, फिर ये पीरियड जो है मान लीजिए कि लगभग 7 से 10 दिन चलता है, ये पीरियड जो है आपका, ये पीरियड मैं इधर लिख देता हूँ, ये पीरियड जो है 7 से 10 दिन चलता है, फिर ये ठीक हो जाता है, फिर उसी तरीके से फिर उस लड़की के शरीर में अंडाणु बनेगा, फिर यही क्रिया होगा 28 दिन बाद वो अंडाणु टूटना शुरू होगा, टूट के ब्लड के रूप में बाहर आएगा, मतलब ये चक्र के रूप में चलता रहेगा, और इसी चक्र को हम क्या कहेंगे, तो ऋतु स्राव, ठीक है। चलिए
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडप्रजक किसे कहते हैं, अंडप्रजक किसे कहते हैं, वैसा जीव या वैसा प्राणी जो अंडा देता है उसको क्या कहेंगे, अंडप्रजक। अब पक्षी, पक्षी में क्या हो गया, कबूतर हो गया, मुर्गी हो गया, है ना, ये सारा क्या करता है, तो अंडा देती है, तो ये अंडप्रजक हो गया। मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ये सब जीव क्या है, अंडा देते हैं, अंडा से इसका बच्चा का जन्म होता है, तो ये सभी जीव क्या कहलाएंगे, अंडप्रजक कहलाएंगे। लैंगिक जनन की घटनाओं को लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन की घटनाओं को लिखे, तो लैंगिक जनन में क्या क्या घटना होता है, तो पहला है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा है निषेचन की घटना, और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। मतलब समझिए, निषेचन पूर्व घटना मतलब निषेचन से पहले की घटना, निषेचन से पहले की घटना क्या हुआ, फिर अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं उसके बाद निषेचन की क्रिया होता है ना, तो उससे पहले की घटना को क्या कहेंगे, तो निषेचन पूर्व घटना कहेंगे। निषेचन की घटना जब अंडाणु और शुक्राणु मिल गए हैं और उसके बाद जो निषेचन की क्रिया हो रहा है उसमें क्या क्या क्रिया हो रहा है उस घटना को कहेंगे निषेचन की। और निषेचन पश घटना मतलब निषेचन पश मतलब था बाद, निषेचन होने के बाद क्या घटना होता है उसको कहेंगे निषेचन पश घटना। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि निषेचन पूर्व घटना किसे कहते हैं, तो नीचे निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। इसमें दो घटनाएं होती है, क्या होती है, तो युग्मक जनन युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक जनन का मतलब क्या, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनते हैं उसी को कहेंगे युग्मक जनन। जैसे स्त्री के शरीर में अंडाणु बनना शुरू हुआ, तो बच्चे से तो अंडाणु बनना शुरू नहीं हुआ, 12 या 13 साल के उम्र से जो है अंडाणु बनना शुरू हुआ, तो ये युग्मक बनना जो है वही कहेगा युग्मक जनन, ठीक है। और युग्मक स्थानांतरण, अब जब युग्मक अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो ये स्त्री का शरीर है, मादा का शरीर है, तो मादा के शरीर के अंदर अंडाणु बनते हैं, लेकिन शुक्राणु तो पुरुष के शरीर में होता है, तो पुरुष के शरीर से शुक्राणु स्त्री के शरीर में डाला जाता है, तो निषेचन की क्रिया होता है ना, तो यहाँ शुक्राणु जो है वो पुरुष के शरीर से निकल के कहाँ जा रहा है, स्त्री के शरीर में, तो ये एक जगह से क्या हो रहा है, दूसरे जगह जा रहा है ना, और एक जगह से दूसरे जगह को जाने को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ जो होता है क्या होता है, तो युग्मक का स्थानांतरण होता है। अब शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है, और नर युग्मक का कहाँ स्थानांतरण हुआ, तो मादा के शरीर में, तो इसको कहेंगे युग्मक स्थानांतरण। ये दो क्रिया। अब प्रागण पढ़ते हैं, प्रागण क्या है, तो ये पौधे में, यहाँ तक हम लोग जीव में पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जीव में पढ़ रहे थे। और यहाँ पे एक चीज और है कि एक लाइन यहाँ पे छूट गया, मैं इसको फिर से सुनाता हूँ। कहा युग्मक जनन क्या है, युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहा है, और इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, अभी जस्ट मैंने समझा भी दिया। चलिए अब याद रख लीजिए, ये पौधे में, ये तो हमने अभी समझा जीव में, लेकिन पौधे में क्या होता है, तो पौधे में प्रागण, प्रागण से बात स्टार्ट होती है। प्रागण क्या है वो मैं समझाता हूँ, देखिए इस सब चीज को अगर आप लिखते चलते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो उसको मिटाना पड़ता है, अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते तो फिर मैं मिटा देता हूँ, तो फिर आपको वीडियो को पीछे करके लिखना चाहिए, तो जरूर नोट्स जरूर तैयार करते चलिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब देखिए अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, तो प्रागण समझाने, अब प्रागण को समझने की कोशिश, प्रागण को समझने की कोशिश की, देखिए पहले पौधा से बात चलता है, तो यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए पौधा, तो पौधा में भी जो है वो दो प्रकार के पौधा होंगे, पौधा में भी जो है दो प्रकार के पौधा होंगे, एक पौधा जो होगा वो कौन सा होगा, नर पौधा, और एक पौधा क्या होगा, मादा पौधा होगा ना, तो नर पौधा और मादा पौधा, तो इसमें क्या होता है, तो नर पौधा में जो होता है वो आपका होता है पुमंग, नर पौधा में जो है वो क्या होता है पुमंग, ये जो है पुमंग क्या है, तो जनन अंग है, जनन अंग है। अब जनन अंग का मतलब क्या हुआ कि जन्म देने के लिए जो अंग होता है वो है जनन अंग,
और ये नर पौधा में जो जनन होता है उसका नाम क्या है, उमंग। उसी तरीके से मादा पौधा में जो है जनन अंग क्या हो जाएगा, तो जायांग या वर्तिकांग, या वर्तिकांग। ठीक है, अब देखिए पुमंग में क्या बनता है, तो पुमंग में होता है प्राग कोष, और प्राग कोष में क्या बनता है, तो प्रागकण। प्राग कोष में क्या बनता है, प्रागकण। मतलब समझिए, अगर हम इसको इंसान से एग्जांपल ले जाते हैं, तो अगर ये नर है तो यहाँ पे पौधा है तो पुमंग हुआ नर जनन अंग, और वहां पे उसका नर जनन अंग क्या हो जाएगा, तो विसरण हो जाएगा, वीर्षण हो जाएगा। ठीक है, वो उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा बाद में। पहले यहाँ पे समझिए कि नर पौधा में जनन अंग जो होता है, जनन अंग का मतलब क्या हुआ कि जन्म देने वाला अंग, वो होता है पुमंग। अब पुमंग के अंदर क्या होता है, तो प्राग कोष होता है, और प्राग कोष के अंदर प्रागकण बनते हैं। ये प्रागकण को आप शुक्राणु समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इंसान में, जानवर में शुक्राणु कहते हैं, लेकिन पौधा में क्या कहलाएगा, प्रागकण ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए मादा में जनन अंग जो हो गया वो जायांग हो गया, इसी को वर्तिकांग कहते हैं। अब देखिए अब क्या होता है परिभाषा वो समझिए, कहा कि ये जो प्रागकण है अगर इस मादा पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे प्रागण। मतलब कि ये प्रागकण अगर इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रागकण। वर्तिकाग्र या इसका दूसरा नाम एक और है, स्त्री केसर। अब देखिए परिभाषा यहीं से बना है। अब मान लीजिए ये पौधा में अलग अलग जनन अंग था, तो इस तरीके से था, अगर यही क्रिया पौधा होता और पौधा में एक ही पौधा के अंदर दोनों जनन अंग होता, नर जनन अंग भी होता और मादा जनन अंग भी होता, तो इसका जो आपका क्या प्रागकण है वो इसी पौधे के वर्तिकांग पर पहुंचता है, क्योंकि पौधा तो एक ही है, बस नर जनन अंग जो हो गए वो दोनों एक ही पौधे में मौजूद है। मतलब ये द्विलिंगी पौधा, तो फिर इसी का जो है क्या, तो प्रागकण, इसी का प्रागकण, और इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रागण। वही परिभाषा है कि जब किसी पौधे का प्रागकण उसी पौधे या दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रागण कहते हैं। जैसे आप फिगर से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक पौधा ये है, ये दोनों पौधा अलग अलग है, ये नर है और ये मादा है, तो इस नर पौधा का प्रागकण इस मादा पौधा के स्त्री केसर या वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो भी परागण कहलाएगा। अब एक ही पौधा है, इसमें नर और मादा दोनों है, तो इसी नर का जो है प्रागकण इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो भी उसे प्रागण कहेंगे। तो ये आपका परिभाषा हो गया। अब प्रागण कितने प्रकार का होता है, तो प्रागण जो है वो दो प्रकार का होता है। प्रागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है स्व प्रागण, शब्द से समझिए, स्व मतलब होता है अपना, मतलब अपने में प्रागण हो गया तो उसको स्व प्रागण कहेंगे। मतलब क्या वो समझिए कि अगर मान लीजिए ये एक पौधा था और इस पौधा में ही नर और मादा दोनों अंग था, नर मादा अंग था, तो नर वाला में क्या बन जाएगा, प्रागकण, और मादा में क्या होगा, तो वर्तिकाग्र। मतलब इसी पौधा का प्रागकण इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर, मतलब वही चीज है कि जब एक पुष्प के प्रागकण, मतलब इसी पौधा का प्रागकण इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको क्या कहते हैं, स्व प्रागण। वही यहाँ लिखा है कि जब एक पुष्प के प्रागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्व प्रागण। और ये जो होता है एक लिंगी पौधा में, स्व प्रागण जो है वो किसमें होता है, सॉरी द्विलिंगी पौधा में, याद ध्यान दीजिए,
स्वपरागण किसमें होता है? द्विलिंगी पौधा में। कैसे? तो देखिए इस पौधा में दोनों अंग है, तो ये पौधा कौन सा हो गया? द्विलिंगी। तो ये जो है स्वपरागण किसमें होता है? द्विलिंगी पौधा में होता है। और द्विलिंगी पौधा का उदाहरण कौन है? तो चना, मटर, मूंग, ये सारे जो है द्विलिंगी पौधा है। पर परागण समझ, इसको शब्द को समझने की कोशिश। पर मतलब होता है दूसरा। जब परागण की क्रिया दूसरे से होगा तो उसको क्या कहेंगे? पर परागण। अब कैसे, इसको एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि ये एक पौधा था, ये आपका नर पौधा था, और ये एक पौधा था, ये आपका मादा पौधा था। तो नर पौधा में क्या बनेगा? तो परागकण। और मादा पौधा में क्या होगा? तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अब देखिए इस पौधे का परागकण इस पौधे के वर्तिकाग्र पर, मतलब एक पौधा का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे, क्योंकि इसमें परागण की क्रिया किससे होती है? दूसरा से। अब यह केवल एक लिंगी पौधा में होगा, मतलब ये एक पौधा है, इसमें सिर्फ नर अंग जनन अंग है, तो ये एक लिंगी हो गया। ये एक पौधा है, इसमें सिर्फ मादा जनन अंग है, मतलब ये एक अंग हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों एक लिंगी है, लेकिन इस पौधा में जो दोनों एक ही पौधा के अंदर मौजूद है, नर जनन और मादा जनन, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा द्विलिंगी। बात समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है निषेचन। देखिए निषेचन क्या है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। बात समझिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन का मतलब क्या हुआ? नर में जो है युग्मक क्या बनता है, उसको नर युग्मक कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? तो शुक्राणु, मतलब नर में जो शुक्राणु बना उसी को हम नर युग्मक कहेंगे, और मादा में जो अंडाणु बना उसी को हम क्या कहेंगे? मादा युग्मक कहेंगे। अब मतलब अंडाणु और शुक्राणु के संलयन, संलयन मतलब आपस में मिलने को क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे निषेचन। अब देखिए निषेचन के प्रकार, निषेचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन, और दूसरा है बाह्य निषेचन। अब अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जब निषेचन की क्रिया, निषेचन को याद रखें कि नर युग्मक और मादा युग्मक, मतलब अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहें। तो आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे? तो जब ये अंडाणु और शुक्राणु जो है वो शरीर के अंदर मिल रहे हैं, जब ये अंडाणु और शुक्राणु शरीर के अंदर मिल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहेंगे या अंतः निषेचन कहेंगे। और बाह्य निषेचन मतलब क्या होता है? कि बाहर निषेचन, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो, निषेचन की क्रिया मतलब अंडाणु और शुक्राणु जो है वो शरीर के बाहर मिले, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे। अब इनको शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो, निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो, तो उसे कहेंगे बाह्य निषेचन। और जब निषेचन निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर हो, तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन। अब आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो स्तनधारी, स्तनधारी कौन किसको कहते हैं? जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ऑक्टोपस, इन सब में जो आंतरिक निषेचन होता है। अब आपको समझने के लिए सिंपल सी एक तरीका बताते हैं, जो भी बच्चे को जन्म देते हैं उनमें आंतरिक निषेचन होता है। जैसे मानव अपने बच्चे को जन्म देता है, आंतरिक निषेचन होता है। गाय अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? उसके शरीर के अंदर होता है, तो आंतरिक निषेचन हो जाएगा। अब बाह्य निषेचन में क्या हुआ कि जो बच्चे को जन्म नहीं देते वो बाह्य निषेचन में आया। जैसे कि कबूतर, कबूतर जो है वो बच्चे को जन्म देता है, नहीं वो अंडा देता है, और उसके अंडे पर वो उसको बैठ के सेता है, उसके बाद निषेचन की क्रिया होता है। अगर वो उस अंडे को दिया और वहाँ से हट जाए तो वहाँ क्या होगा कि निषेचन की क्रिया नहीं होगा, वो अंडा सर जाएगा, ठीक है। तो वैसे जीव जो अंडा देते हैं, मतलब बच्चा उत्पन्न नहीं करते हैं, उन सभी जीवों में क्या होता है? तो बाह्य निषेचन होता है। जैसे मछली अंडा देती है, मगरमच्छ अंडा देता है, सांप अंडा देता है, ये सारा जो है क्या हो जाएगा? इन सब में हो जाएगा बाह्य निषेचन। चलिए अब निषेचन पक्ष घटना, ये जो पढ़े वो निषेचन की घटना पढ़े। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया निषेचन पूर्व घटना, कि निषेचन के पहले क्या क्या होता है, ये निषेचन की घटना में आपने पढ़ लिया। और निषेचन पक्ष घटना मतलब निषेचन की बाद क्या घटना होती है, तो कहा युग्मज बनने के बाद की घटना को निषेचन पक्ष घटना कहते हैं। मतलब युग्मज बन गया, नर
और मादा, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में मिलके निषेचन की घटना करके और निषेचन के बाद क्या युग्मनज बना लिया। तो युग्मनज बनने के बाद की घटना को हम क्या कहेंगे, तो निषेचन पश घटना कहेंगे। और निषेचन के बाद युग्मनज जो है, निषेचन में युग्मनज बन गया तो युग्मनज बनने के बाद की घटना को निषेचन की घटना कहेंगे। और युग्मनज बनने के बाद क्या होता है, तो युग्मनज ही विकसित होके नया जीव को जन्म देता है। तो ये हो गया आपका निषेचन पश घटना। अब निषेचन पश घटना में क्या होता है, तो दो चीज होता है, एक सुने आपने युग्मनज और दूसरा भ्रूण। युग्मनज क्या करता है वो समझिए, कि युग्मनज ही आगे विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण, और भ्रूण से बच्चा जन्म लेता है। तो युग्मनज में क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं। युग्मनज द्विगुणित होते हैं। अब ये द्विगुणित को समझ लीजिए, युग्मनज द्विगुणित होते हैं। युग्मनज बनता कैसे है, तो नर युग्मक मतलब नर और मादा, नर में क्या मिला तो नर युग्मक, नर युग्मक, और मादा में क्या बना तो मादा युग्मक। अब ये दोनों अलग अलग थे तो अगुणित थे, अगुणित ये भी थे अगुणित, लेकिन जैसे ही ये दोनों मिला आपस में तो यहां जो बना वो क्या बना, तो बना युग्मनज। युग्मक के संलयन से, युग्मक के मिलने से क्या बना, युग्मनज। और ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका द्विगुणित। देखिए यहाँ का युग्मनज द्विगुणित होते हैं। युग्मनज शरीर के अंदर और बाहर दोनों बन सकते हैं, क्योंकि निषेचन की क्रिया के बाद बनता है युग्मनज ना। तो यहाँ देखिए बाह्य निषेचन में शरीर के बाहर युग्मनज बनेगा और अंतः निषेचन में शरीर के अंदर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भ्रूण का पोषण युग्मनज में उपस्थित भोजन से होता है। ये भ्रूण का पोषण का मतलब क्या हुआ, देखिए युग्मनज विकसित होकर क्या बन गया था, भ्रूण। तो इस भ्रूण को जीने के लिए खाना पीना चाहिए ना, उसी को पोषण कहेंगे। तो ये भ्रूण जो है वो खाना पीना कहाँ से लेगा, तो युग्मनज में जो उपस्थित भोजन होगा उसी से लेगा। अब भ्रूण जो है इस भोजन का उपयोग एक सप्ताह के अंदर कर लेगा, मतलब युग्मनज में जो भोजन उपस्थित है उस भोजन का उपयोग भ्रूण जो है एक सप्ताह के अंदर कर लेगा। उसके बाद ये क्या होगा, तो ये स्थानांतरित होकर गर्भाशय में चल जाएगा, और जैसे ही गर्भाशय में जाएगा तो बाकी चीज वो मां के शरीर से लेगा। अब देखिए इसके बाद भ्रूण जो है लार्वा अवस्था में पहुंच जाता है, लार्वा अवस्था में बन जाता है और स्वयं पोषण करने लगता है, और यहां से जो है खुद ये क्या करता है, अपना पोषण मतलब अपना खाना पीना जो है मां के शरीर से खुद लेना शुरू कर देता है। अब देखिए भ्रूणोद्भव, यहाँ भ्रूण पढ़े थे, तो भ्रूण या भ्रूणोद्भव में क्या है, तो भ्रूणोद्भव कहा कि युग्मनज, युग्मनज का ही इंग्लिश नाम है जायगोट। तो युग्मनज के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, मतलब यहाँ युग्मनज विकसित होकर क्या बना रहा था, भ्रूण। तो युग्मनज जो विकसित हो रहा था और भ्रूण में बदल रहा था, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव कहेंगे, ठीक है। अब कहा कि युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। अब ये जो युग्मनज है इसमें कौन सा विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन होगा। अब कोशिका विभाजन के बाद कोशिका की संख्या बढ़ती है, जैसे इसमें समसूत्री विभाजन होगा उसके बाद इसमें कोशिका बटेंगे, और कोशिका जैसे ही बढ़ जाएगा तो कोशिका की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कोशिका की संख्या बढ़ जाएगा उसके बाद जो एक निश्चित कोशिका का समूह बना लेगा, और वो कोशिका का समूह क्या करेगा कि अंग बनाने का काम करेगा, हाथ पैर नाक कान ये सब बनाने का काम करेगा, और अंग तंत्र बनाएगा और उत्तक बनाएगा, ये सारा काम करना है। और ये सब चीज जब बन जाए तो इसके बाद जो है जीव का निर्माण होगा और जीव जो है वो जन्म लेगा। अब सजीव प्रजक किसको कहते हैं, तो वे प्राणी जिसके अंदर युग्मनज बनता है और जो जीव को जन्म देते हैं वे सारे क्या कहलाते हैं, सजीव प्रजक। ध्यान रखिए, अंडा देने वाले अंड प्रजक और जीव को उत्पन्न करने वाले सजीव प्रजक, ठीक है। इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका जो है यहाँ पे अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो देखिए स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, तो स्वपरागण में जो है एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और परपरागण में जो है एक पुष्प के वर्तिकाग्र, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसमें बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, मतलब स्वपरागण में बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि परागकण भी उसी पौधे पे है
और वर्तिकाग्र भी उसी पौधे पे है, तो उसको बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पर परागण में बाहरी माध्यम की जरूरत है, क्यों? क्योंकि ये एक पौधा है और ये एक पौधा है, तो इसका परागण इस पौधे के वर्तिकाग्र पे किसी न किसी माध्यम से पहुंचेगा, हवा माध्यम हो जाए, पक्षी माध्यम हो जाए, कीट माध्यम हो जाए, जल माध्यम हो जाए, वो किसी न किसी माध्यम से जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका परागकण, इस पौधे का परागकण इस पौधे के पुष्प पे कैसे पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पे कैसे पहुँचेगा। तो मान लीजिए हवा का झोंका है, तो इसका परागकण हवा के माध्यम से इस पे पहुँच गया, या पक्षी के द्वारा, पक्षी इस पौधे पर बैठा और इसमें कीड़ा को खाया और वही पक्षी इस पौधे पर जाके बैठा और फिर चोंच में जो परागकण आया तो यहाँ पहुँच गया। तो इस तरीके से इसमें माध्यम की जरूरत होती है। अब कहा कि पुष्प के बंद अवस्था में स्व परागण होता है, क्योंकि पुष्प उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचने की जरूरत है, और परागकण भी उसी पुष्प में मौजूद है और वर्तिकाग्र भी मौजूद है, तो ये बंद अवस्था में हुआ। लेकिन पर परागण जो है खुला अवस्था में, क्यों? अगर ये पुष्प खुला हुआ नहीं रहेगा तो इसका परागकण इस पर आएगा भी तो इसमें नहीं जाएगा, और जब वर्तिकाग्र में जाएगा ही नहीं तो निषेचन की क्रिया नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट का, इसमें लक्षणों की शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि इसी पौधे का परागकण जो है इसी पौधे के वर्तिकाग्र पे जाती है, तो इसके लक्षण में कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन ये पौधा, ये दूसरा पौधा है, तो ये पौधा का जो है परागकण इस पौधा पे जाएगा तो इसका लक्षण इसमें चला जाएगा, मतलब जो इसका पहले से लक्षण है वो क्या होगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें परागकण बर्बाद नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उसी पौधे का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो परागकण बर्बाद नहीं होते हैं। लेकिन इसमें परागकण जो बर्बाद होते हैं, मान लीजिए ये पौधा है, ये दूसरा पौधा है, यहाँ से यहाँ इसको परागकण पहुंचना है, अगर हवा के माध्यम से जाता है तो हवा के माध्यम से यहाँ तो परागकण पहुंचेगा, लेकिन बीच में बहुत सारा परागकण क्या होगा, गिर जाएगा, तो इसमें परागकण जो है बहुत बर्बाद होते हैं। तो इस तरीके से पहला चैप्टर जो है मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, इवन पॉइंट बाई पॉइंट मैंने आपको समझाया है। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट करा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पर से अगर वीडियोज़ को देखते हैं तो आप ट्वेल्थ हो या नीट हो या जेई का एग्जाम हो, आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर करूँगा, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।